some good news of the college. Okay, this college is the success story in the country and in Mr. Mumbai. ये आपके कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके खूबसूरत लॉन, इसकी रोड्स, इसके फ्लावर्स, ये उसी तरह। And he is the founder of this college, Lieutenant General Wajid Ali Bhatt. And we must salute him. क्योंकि 1962 में जब ये कॉलेज बना तो उस वक्त तो फेलोज कोई नहीं। तो इस शख्स के बारे में कहते ना, मैं अकेले ही चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब 40,000 फेलोज और 35,000 PGR, 70,000 डॉक्टर्स, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉलेज। आपकी ये काउंसिल है जो इस कॉलेज को लीड कर रही है। 20 मेंबर काउंसिल, फेलोज इनको इलेक्ट करते हैं, सूबाई डिस्ट्रीब्यूशन है, पंजाब, सिंध, KPK और बलोचिस्तान से रिप्रेजेंटेशन, और इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन, ये वोटिंग है, दैट इज फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। और जो करंट काउंसिल है, इसका एक क्रेडिट है कि 2007 से लेकर आज तक द काउंसिल हैज नॉट रेज अ सिंगल पेनी फीस इन द एग्जामिनेशन और द वर्कशॉप एंड अदर्स। जब $59 पे था तो आपकी इन वर्कशॉपों की यही फीस थी, $200 क्रॉस कर गया वर्कशॉप की हुई फीस। दिस इज द माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसके साथ आगे मैं आपको बताऊंगा कि साथ क्या होता रहा, नए सेंटर बनते रहे, IT इक्विपमेंट आता रहा, इंटरनेशनल सेंटर बनते रहे, इंटरनेशनल सेंटर पे कॉन्वोकेशंस होती रही, और आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा सेंटर सऊदी अरब में, नेपाल में और UK में है, बर्मिंघम में है, आयरलैंड में है, और इस वक्त हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनी इसका जो फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम की, दे आर इन आयरलैंड। मिशन कॉलेज का ये क्या है कि एक्सीलेंस इन द हायर मेडिकल एजुकेशन एंड देन स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ई लॉग मॉनिटरिंग में हम लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर, और फिर एग्जामिनेशन एंड एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट इन द एग्जामिनेशन एंड द रिसर्च, जो कि आप सिनॉप्सिस और डेसिशन की सूरत में करते हैं। दुनिया में जब मेडिकल एजुकेशन के मॉडल्स आए तो कैनेडा ने कैनमेड मॉडल से, जिसमें डॉक्टर को एक्सपर्ट, कोलैबोरेटर, कम्युनिकेटर, रिसर्च स्कॉलर, लीडर जी होना चाहिए। इसके बाद ACGME कॉम्पिटेंसी अमेरिका की है। इसके साथ ही साउथ एशिया में जो मेडिकल एजुकेशन का रोल मॉडल आया, दैट वॉज बाय CPSP, और इसमें यह था कि पेशेंट केयर तो है, लेकिन पेशेंट केयर विल रिवॉल्व अराउंड द रिसर्च, टीमवर्क, टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके साथ जो कॉम्पिटेंसीज, एडवोकेसी, पीडागॉजी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनलिज्म, ये हमारा मॉडल था। और इस मॉडल में आगे फर्दर जो ट्रेनिंग थी वो इंटेग्रेटेड ट्रेनिंग, जिसमें क्लिनिकल सर्विस और क्लिनिकल रिसर्च, ये तीनों आपस में इनका ज्वाइंट रोल था। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि किस अंदाज में कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का इंडक्शन प्रोग्राम और रोड मैप चलता है। आप लोग MBBS करते हैं, MBBS के बाद एक साल का हाउस जॉब, फिर आपकी प्रेपरेशन फॉर पार्ट वन, और फिर पार्ट वन का एग्जामिनेशन। पार्ट वन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। दिस जो आपकी ट्रेनिंग है, दैट इज रजिस्टर्ड, मॉनिटर्ड एंड प्रोस्पेक्टिव। दो साल के बाद आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट मॉड्यूल एग्जामिनेशन, और फिर इसके बाद आपकी दो या तीन साल के बाद फर्स्ट फेलोशिप एग्जामिनेशन और सेकंड फेलोशिप आगे इसके दो साल के बाद। तो इस अंदाज में ये आपका एक रोड मैप ऑफ योर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ CPSP, यू शुड बी प्राउड ऑफ, इकबाल ने इकबाल की बीन, और हम ये शेयर करने जा रहे हैं कि करंटली द कॉलेज हैज कंट्रीब्यूटेड ओवर 43,000, almost 44,000 specialists, जिसमें FCPS 32,000 plus और ये members, and College of Physician Surgeon currently having the maximum number of postgraduate program 79, जिसमें first fellowship 45 और 34 second fellowship program। इसी तरह membership program हमारे 22 discipline में, और इसके साथ हमारा health professional education और management के बारे में courses हैं। ये वो details हैं first fellowship program की। इन तमाम में फर्स्ट फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि 4 से 5 साल के, और ये हमारे सेकंड फेलोशिप प्रोग्राम, और सेकंड फेलोशिप भी हमारे मैक्सिमम नंबर प्रोग्राम। सेकंड फेलोशिप से मुराद कि आपने फर्स्ट फेलोशिप 4-5 ईयर्स की और 2 साल 3 साल के ये प्रोग्राम। ये तमाम डिटेल्स हैं। फिर NCPS,
एमसीपीएस जो है वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पेशलिस्ट के लिए, जिसमें 22 डिसिप्लिन है जिसमें हमारे एमसीपीएस प्रोग्राम है। और इसके साथ कॉलेज एक्रेडिट करता है हॉस्पिटल को और सुपरवाइजर को, जहां आपकी ट्रेनिंग होती है और जो आपको सुपरवाइज करती है। और एक्रेडिटेशन का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, उसमें फैसिलिटी इनडोर आउटडोर और लाइब्रेरी, ये तमाम फैसिलिटीज देखी जाती है, क्वालिटी अश्योरेंस होती है। सुपरवाइजर की एक्रेडिटेशन भी इस अंदाज में होती है कि फेलोशिप हो, 5 साल हो, वर्कशॉपें उन्होंने अटेंड की हो और इसके साथ एमसीक्यू सबमिट करवाए हो। तो इस वक्त एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं दे आर 378, और 378 में पब्लिक मैक्सिमम, फिर प्राइवेट, फिर आर्म फोर्सेज, फिर ओवरसीज। और इसी तरह जो सूबाई डिस्ट्रीब्यूशन है, पंजाब, इसके बाद सिंध, फिर केपीके, फिर बलोचिस्तान एंड एजीके। और ये आपके अप्रूव्ड सुपरवाइजर हैं, जैसे मैंने बताया ना एक्रेडिटेशन सुपरवाइजर। जैसे पाकिस्तान में हम अप्रूव करते हैं 5 साल का आपका पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस हो, वर्कशॉप अटेंड की हो, एमसीक्यूज आपने सबमिट करवाए हो, सर्जन ने ATLS की हो, फिजिशियन ने ACLS की हो, इसी अंदाज में हम सुपरवाइजर अप्रूव करते हैं। आयरलैंड में, यूके में, सऊदी अरेबिया में, नेपाल में, नेपाल में, जिन्होंने हमारे बच्चों की ट्रेनिंग करनी होती है। सो इस समय जो सुपरवाइजर अप्रूव्ड हैं 5209 पब्लिक, प्राइवेट, आर्म फोर्सेज, ओवरसीज, फिर पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान और एजीके। एंड वी फील प्राउड ऑफ यू। इस वक्त जो क्वालिटी सर्विस डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में और चारों सूबों में है, आपकी वजह से है। एंड वी मस्ट सैल्यूट यू पीपल। रजिस्टर्ड ट्रेनी 31,000 प्लस, ऑलमोस्ट 32,000, इतने आप पब्लिक में मैक्सिमम, फिर प्राइवेट, आर्म फोर्सेज, ओवरसीज, पंजाब, केपीके, पंजाब फॉलोड बाय सिंध, केपीके, बलोचिस्तान एंड एजीके। अरे शुरू में इंटरेस्टिंगली जो तादाद थी हमारी बेटियों की तादाद कम थी, ऑल दो अंडर ग्रेजुएट में 70% आ चुके थे और 30% या 25% मेल थे, लेकिन ग्रेजुअली पोस्ट ग्रेजुएशन अट्रैक्शन आती रही है। द मेन रीजन वाज द कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन प्रोग्राम एंड इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब उसमें क्या हुआ, शुरू में 28% थी आज से 10 साल पहले, फिर आज से 5 साल पहले ये रेशो 48% थी मेल। अब माशाल्लाह आई थिंक फिर अप्रिशिएट करें, बच्चियां काबिल होती हैं, इस पर 57% आर द फीमेल एंड 43% आर द मेल। और फिर इस सारे सिस्टम के साथ साथ एक स्पोर्ट सिस्टम है। स्पोर्ट सिस्टम में क्या, कराची आपका हेडक्वार्टर जो मॉनिटर का है, फिर इसके साथ 14 मेन सेंटर है, लाहौर इज वन ऑफ द सेंटर, मुल्तान सेंटर, इसी तरीके से पिशावर सेंटर, इन तमाम को एक्सपेंड किया गया, कराची को एक्सपेंड किया गया, फिर नए सेंटर बने। उस वक्त नया सेंटर बना कोयटा में, हैदराबाद में, एबटाबाद में, बहावलपुर में, ये सारे नए सेंटर बने। और ये सारे सेंटर बने विदाउट इंक्रीजिंग अ सिंगल पेनी फीस। ये बरकत थी आपके इन पैसों में कि नए सेंटर बने और कॉलेज इंशाल्लाह इज इन द पोजीशन कि अगले 4 साल तक भी आपके पैसों की वर्कशॉप की फीसें नहीं बढ़ेंगी, बल्कि हमारे जो इंटरनेशनल रोटेशनल प्रोग्राम है इनके जरिए कॉलेज अपने फंड्स जनरेट करेगा। और अच्छी खबर आगे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा सेंटर इंशाल्लाह इस साल इनॉग्रेट होने को जा रहा है। तमाम सेंटर दे हैव गॉट द एक्सीलेंट वीडियो कनेक्टिविटी एंड वी आर यूजिंग दिस फैसिलिटी फॉर वेरियस फैकल्टी मीटिंग। वी आर यूजिंग दिस फैसिलिटी जो हमारे इंटरनेशनल ओवरसीज रोटेशनल प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम, इसमें वीडियो कनेक्टिविटी के साथ आपके एंट्री। और ये वीडियो कनेक्टिविटी 2007 से, किसी और इदारे में वीडियो कनेक्टिविटी इस अंदाज में 2010-11 के बाद स्टार्ट, लेकिन CBSE का IT सिस्टम, शहजाद आवद और इन तमाम लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने विद परफेक्शन इंस्टॉल किया 2007 ऑनवर्ड। और माशाल्लाह हमारी कनेक्टिविटी जो जिस अंदाज में होती है, इसमें इंटरनेशनल जितने हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, जो रॉयल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, they always appreciate the IT technology of College of Physician Center. और फिर पाकिस्तान में आपने सेंटर देखे, ये आपका सेंटर सऊदी अरब में रियाज, जद्दा, खटमंडो। और फिर वी फील प्राउड कि इस वक्त डबलिन में आपका सेंटर, आप बर्मिंघम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाएं और बर्मिंघम के शहर में एक बिल्डिंग आगे लिखा हुआ है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान सब सेंटर।
एक वक्त था कि गोरे आते थे यहाँ इम्तिहान लेने और हम बड़ा खुश होते थे आज इम्तिहान लेने आए हैं, और आज एक वक्त आया है कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन वहाँ जाके अपने बच्चों का इम्तिहान भी ले रहा है और उनके लिए भी ये फैसिलिटी ऑफर है। ये कॉलेज का मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें ये हमारी अपनी इनोवेशन है, एंड वी आर द वर्ल्ड लीडर इन दिस ईलॉग सिस्टम। 30,000 ट्रेनी आईडी पासवर्ड, सुपरवाइजर 5,000 आईडी पासवर्ड, मॉनिटरिंग कॉम्पिटेंसीज, और ये तमाम टेम्पलेट है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। पेपरलेस एनवायरनमेंट में भी सीपीएसपी इज द लीडर, कि जिसमें आइकॉन्स में अकाउंट इंफॉर्मेशन, ई लॉग, आरईयू, डीएमई, और इसमें तमाम आपकी इंफॉर्मेशन, कि इसमें स्किल डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, रीसेंट नोटिफिकेशन, कॉन्वोकेशन डिटेल, जेसीपीएसपी बुलेटिन की डिटेल, एग्जामिनेशन की डिटेल, आपकी आरटीएमसी, आपकी तमाम चीजें दे आर गोइंग टू बी पेपरलेस। और हमारे एग्जामिनेशन 284, और फिर द ब्यूटी ऑफ दिस कॉलेज इज कि द एग्जामिनेशन ऑफ द कॉलेज हैज नॉट बीन पोस्टपोन्ड इवन फॉर ए सिंगल डे। देखिए आज के दिन वी आर सेलिब्रेटिंग इकबाल डे, और इकबाल डे के मौके पे अच्छी खबरें हम शेयर कर रहे हैं, और ये इम्तिहान की तफसील है जो 284 हमारे एक साल में होते हैं। और एक और चीज के चैलेंजेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में आते हैं, एंड सीपीएसपी इज एट द फोर फ्रंट टू कोप विद दीज चैलेंजेस। इंडक्शन में चैलेंज आया हैपोजेड इंडक्शन, ये बच्चे आ रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कॉलेज ने स्टार्ट किया 2008 में मई, जनवरी और जुलाई। चैलेंज आया कैरिकुलम में, कैरिकुलम हमने रिवैम्प कर दिया 2008 से ऑनवर्ड, फैकल्टीज तमाम ने उसमें इंटरमीडिएट मॉड्यूल और फिर इनोवेशन लेके आए इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। इसके बाद ट्रेनिंग की वेरिएशन थ्रू ई लॉग सिस्टम हम मैनेज करने जा रहे हैं, फिर इनोवेशन इन द ई वैल्यूएशन, थ्योरी एग्जामिनेशन जब पेपर बेस्ड था तो एक वक्त में तमाम जगह पे पेपर शिफ्ट कराना मुश्किल थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर दिया, और इस वक्त ऑनलाइन एग्जामिनेशन है एफसीबीएस पार्ट वन का, इंटरमीडिएट मॉड्यूल का, एंड इन सब सम सब्जेक्ट पार्ट टू एग्जामिनेशन। और ऑनलाइन का फायदा यह है कि आपको उस अंदाज में पेपर की शिफ्टिंग नहीं करना पड़ती, एंड देयर इज सेंट्रल मॉनिटरिंग, हेडक्वार्टर से इसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग हो रही है। और फिर जो रिसेंट एक्टिविटीज हैं कि रॉयल कॉलेजेस के जितने प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के इन हालात में जब कॉलेज इनवाइट करता है या कॉलेज की फैकल्टी मेंबर इनवाइट करते हैं आते हैं, ये 3 दिन पहले की तस्वीर है। रॉयल कॉलेज ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के प्रेसिडेंट आए डॉक्टर गगनार चंद, और इनकी मीटिंग कॉलेज में हुई, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि कॉलेज की फैसिलिटीज, कॉलेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉलेज का ई वैल्यूएशन, और ये वो तमाम डिटेल्स हैं उनके साथ हमारी जो रिसेंट मीटिंग हुई, एंड दिस इज द मीटिंग विद द सऊदी हेल्थ काउंसिल फॉर स्पेशलिस्ट। और कॉन्वोकेशन हमारी रेगुलर होती है, तो लाहौर कॉन्वोकेशन भी अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर के लास्ट वीक में 26th या 7th को भी डेट 25 हो जाएगी, वी आर गोइंग टू हैव लाहौर कॉन्वोकेशन, ये लास्ट कॉन्वोकेशन है। और इसमें फिर वुमेन एम्पावरमेंट, और हम अपनी बच्चियों को फिर क्रेडिट देते हैं, पाकिस्तान आर्मी की जो पहली लेफ्टिनेंट जनरल बनी, जो पहली सर्जन जनरल बनी, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, शी वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट कन्वोकेशन। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को विजिट करते रहते हैं, उनमें इंस्पेक्शन भी होती है, एक्रेडिटेशन भी होती है, इंटरेक्शन विद फेलोज भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है। We had the plan visit in CMH Lahore, और CMH में जाके हमने देखा कि मेन स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलाइजेशन और कुछ और स्पेशलाइजेशन जिनकी इंस्पेक्शन एक्रेडिटेशन करनी थी। I'm just sharing it with you the latest picture of that inspection. Upcoming back to the international overseas program हमारे, इसमें एक बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल जी रेसिप्रोसिटी, वो हमें मानते हैं हम उनको मानते हैं, जो हमें नहीं मानते हम भी कहते हैं कि हम तसल्ली से मानेंगे आपको। फिर कोलैबोरेशन, जिसमें रिसर्च आएगा, एक्रेडिटेशन के जो हमारे बच्चे आयरलैंड इंग्लैंड में काम करते हैं उनको हम एक्रेडिट करते हैं, ऐसे नहीं है कि आप इंटरमीडिएट मॉड्यूल के बाद यूके आयरलैंड जाएं और आपको पेरिफेरी में भेज दें, ऐसे नहीं होगा। आपको उन इदारों में काम, दे विल पोस्ट टू दोज इंस्टीट्यूशन जो कि एक्रेडिटेड बाय द रॉयल कॉलेजेस है, जो कि स्टैंडर्ड के, सो एक्रेडिटेशन बाय सीबीएसई, जिस तरह नेशनल इसी तरह इंटरनेशनल। फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको वही मॉडलमेंट मिलते हैं जो अपने लोगों को वो मिलते हैं। एक्सचेंज ऑफ एग्जामिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉरेन एग्जामिनर्स को बुलाते हैं, रॉयल कॉलेज के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, वो आपका सिस्टम देखते हैं
एंड देन सिस्टम देख के उनको अंदाजा आता है, सीइंग इज बिलीविंग कि यस कॉलेज इज डूइंग द क्वालिटी एश्योरेंस। हम किसी मुल्क में जाते हैं, अपने सफीर से मिलते हैं, उनके सफीर से मिलते हैं और उनके मिनिस्टर सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग होती है थ्रू प्रॉपर चैनल। सऊदी अरब में 2008 में एमओयू के बाद ये उनके मिनिस्टर मौजूद हैं फेलोशिप के साथ, स्पेशलिस्ट कुछ एक्सपीरियंस के साथ कंसल्टेंट। जो पहली मेडिकल एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब की हुई उसमें चीफ गेस्ट ऑफ दैट कन्वोकेशन वाज प्रेसिडेंट सीबीएसई, और जो कीनोट स्पीकर था जब बात की गई इनोवेशन ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन जिसको वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया ईलॉग सिस्टम, वो अल्लाह ने मुझे मौका दिया एज द कीनोट स्पीकर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे ये तमाम बैठे हैं 5 रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और कॉलेज मुख्तलिफ औकात पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराता है, ये 2012 की है। जब हमने रॉयल कॉलेजेस को इन्वाइट किया तो दुनिया के रॉयल कॉलेजेस है, 20 से ज्यादा सुदूर आए। और अब इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी खबर ये होगी कि मिड जनवरी में अगेन द कॉलेज इज हैविंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें रॉयल कॉलेजेस तमाम आ रहे हैं और इसको हम लाइव कर रहे हैं एट डिफरेंट सेंटर एंड यू आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्फ्रेंस टू। ये सूडान के लोग जब उन्होंने विजिट किया, और फिर नेपाल में जैसे मैंने बताया कि आर सेंटर इज वेरी एक्टिव, पार्ट वन एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन इन द नेपाल, रेगुलर इम्तिहान वहां हो रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा हुआ कि हमने अपने इंटरनेशनल सेंटर पे एट द डोर स्टेप वी हैव स्टार्टेड द कन्वोकेशन फॉर द फेलोज ऑफ दैट कंट्री। तो नेपाल की ये पहली कन्वोकेशन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की काठमांडू शहर में हो रही है। यूके की तरफ आते हुए, यूके से हमारा जो एमओयू साइन हुआ 2008 में, प्रोफेसर एन गिलमोर इस वक्त मौजूद है हमारी मीटिंग, इनके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पीडियाट्रिशियन आरसीपी पैथोलॉजिस्ट सर्जन इनके साथ मीटिंग हुई। एंड दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि इस वक्त हमारे 2 इंटरनेशनल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जो है दैट इज जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम और दूसरा है दैट इज सीनियर फेलोशिप। जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम इज कि आपने पार्ट वन किया, 2 साल की ट्रेनिंग की, आयरलैंड किया, इंग्लिश में 7+ आप उसका स्कोर है, 13 स्पेशलिटी आयरलैंड में और 30+ इन यूके। 2 साल के लिए जाएंगे, अमाउलमेंट वही मिलेंगे जो अपने बच्चों को वो देते हैं, लाइक 5 से 7 लाख रुपया। आपकी ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज होगी बाय सीपीएसपी एंड बाय देयर कॉलेजेस टू। अच्छे एनवायरमेंट में काम करने का मौका मिलेगा और गुड टेक्नोलॉजी और कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होगी। लेकिन शर्त ये, आपको वापस आना पड़ेगा 2 साल के बाद, क्योंकि वापस आएंगे तो सर्कल चलेगा ना, अगर नहीं आएंगे तो सर्कल नहीं चलेगा। सो दिस स्कीम वाज गिवन द नेम बाय WHO एज द ब्रेन गेन एंड नॉट द ब्रेन ड्रेन। कॉलेज डू नॉट बिलीव इन द ब्रेन ड्रेन। सो ब्रेन गेन सीख के आए पाकिस्तान में काम करें। वीजा आयरलैंड यूके का लेना मुश्किल होता है, कॉलेज के जरिए वीजा आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा। फिर फेलोज ने कहा कि ये इंटरमीडिएट मॉड्यूल के बच्चों के लिए है, व्हाट अबाउट द फेलोज? तो फेलोज के लिए भी प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, विच इज द सीनियर फेलोशिप स्कीम। कैप्सिकस करने के बाद आप 1 या 2 साल के बाद जा सकते हैं। तो इसमें आयरलैंड के साथ इंग्लिश में आपका स्कोर होना चाहिए, आयल्स में 6.5 और 7 से अबव, और ओईटी में आपका बी ग्रेड का मिस्टर होना चाहिए। ये बच्चे इस पर काम कर रहे हैं आयरलैंड में। आई विश कि आप में से बैठे हुए, इस हाल में बैठे हुए बच्चे इन अस्पताल में जाके, इन अस्पतालों में जाके काम करें और वहां से ईमेल करें, यस वी आर देयर। यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में 241, इसी तरीके से वॉल्सर लीड हल योर्कशायर डंडे 386 टोटल इस तरह बच्चे जो काम कर रहे हैं। और फिर ये वो दिन था, आज इकबाल डे है 9 नवंबर, और आज हम इकबाल का वो जो ना बसीरत वीएन की बात कर रहे हैं, और ये 14 अगस्त 2022 पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पे आगाज हुआ यूके में बर्मिंघम में कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान के सेंटर का। पाकिस्तानी लिबास हो और उस मीटिंग में जो क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल गवर्नर हो, रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट तमाम मौजूद थे, लोकल मेयर मौजूद थे, और आपके कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का वहां आगाज हुआ 14 अगस्त 2022। और फिर वहां हमने कहा चुके इम्तिहान शुरू कर रहे हैं, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं आईएमएम के पार्ट वन के, तो 15 अगस्त को हमारा एग्जामिनेशन था जो FCPS पार्ट वन का था। हमने कहा टेस्ट करें, हम खुद टेस्ट करेंगे क्या इम्तिहान हो सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम हुई ना। हमने कनेक्ट किया सेंटर को विद कराची, और जो पहला
टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ, इसमें अपीयर होने वाले कॉलेज के तमाम काउंसिल मेंबरान थे। ये खुद हम इम्तिहान दे रहे हैं एफसीपीएस पार्ट वन का। अब रेगुलरली हमारे आयरलैंड और यूके के बच्चों के इम्तिहान यहाँ होंगे। ये एक और स्लाइड है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप यूके आयरलैंड में कैसे जा सकती हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कॉलेज का क्या तरीकाकार है। इसमें बेटे आप लोग याद रखिएगा कि जो सीट्स वेकेंट होती हैं आयरलैंड और यूके में वो इन्फॉर्म करते हैं हमें। इन्फॉर्मेशन के बाद हम वेबसाइट पे डालते हैं। आपका सीवी हम इन्वाइट करते हैं। आप जब सीवी हमें भेजते हैं देयर इज एब्सोल्युटली नो रोल ऑफ एनी काउंसिल मेंबर और द ऑफिस पेरेंट। वो तमाम सीवीज रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट और इन लोगों का भेजते हैं। वो सीवी देख के एक सीट के अगेंस्ट तीन या जो भी उनका तरीकाकार है वो इनवाइट करते हैं बच्चों को फॉर इंटरव्यू। और वीडियो कनेक्टिविटी के जरिए ये इंटरव्यू इस वक्त हो रहे हैं, या वो खुद तशरीफ लाते हैं या इंटरव्यू विद वीडियो कनेक्टिविटी। एंड देन दे सिलेक्ट द पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट। इन इंटरव्यूज में सीबीएसई का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। दिस इज डायरेक्ट सिलेक्शन बाय देम। सो द सिलेक्शन इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट। और इसी सिलेक्शन के नतीजे के तौर पर 386 यूके में एंड 510 इस वक्त आयरलैंड में काम कर रहे हैं। और आयरलैंड में ये तफसील है, हमने स्टार्ट किया पहला बैच 2013 में और 49 लास्ट जुलाई में हमारे बच्चे गए। जब इंटरव्यू पहला हुआ तो मैंने इनसे पूछा इन बच्चों को आपने इंटरव्यू लिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये जो बच्चे आपके पास काम कर रहे हैं जिनका इंटरव्यू लिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ये रॉयल कॉलेज के प्रेसिडेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और उनका ये आधे मिनट का फीडबैक है। आप में से हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी लिसन दिस फीडबैक। एक बच्ची सुना दूं फिर। गुड आफ्टरनून, my name is Michael Early. I'm the chairman of the Basic Surgical Training Committee here in the College of Surgeons in Ireland. A great honor to be doing this afternoon. Professor Trainer will be interviewing with Professor Gondal here again. The last candidate is over and probably we are going to complete the process now. What I would like to say is that we were extraordinarily impressed, number one, at the standard of all of the candidates. They are really a credit to your training schemes and they were all absolutely excellent. I mean, it is really difficult to pick out the very best when you have so many good candidates. It's also a great compliment to you that the whole system worked extremely well, that we have gone through five different centres so far away and we have had a very smooth transition with each of them. No, absolutely. I think it has been a very, very positive experience for us this afternoon. The standard of all of the candidates has been really, really high, and we've been very impressed with the candidates and very impressed with the level of training that they have received in Pakistan. And I would echo what Professor Early says about the organisation of the interviews this afternoon. It was absolutely without fault. It was fantastic. Absolutely without any. And fantastic. ये कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। और ये उस दिन की बात है, लाहौर में 18 घंटे की लोड शेडिंग, पांच सेंटर 5 घंटे के लिए कनेक्टेड रहे, एक सेकंड के लिए डिसकनेक्टिविटी नहीं। सो दिस इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ सीबीएसई आईटी डिपार्टमेंट। फिर मैं शहजाद आदम और तमाम टीम को अप्रिशिएट करूंगा जिस अंदाज में आईटी में क्वालिटी एश्योरेंस है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये है एग्जिट कोहॉर्ट के जो बच्चे जाते हैं, आमतौर पे वीजा लग गया इंग्लैंड का आयरलैंड का, कौन वापस आता है? सीबीएसई का कंट्रोल है कि यस आपको आना पड़ेगा, पासपोर्ट सबमिट कराना पड़ेगा, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना पड़ेगी, फिर आप जा सके। 2018 में 90% आ चुकी, 2019 के 51 में से 49 आ चुके, दो बच्चे रास्ते में। सो 100% पीपल दे आर रिपोर्टिंग बैक टू पाकिस्तान। दिस इज द रिस्पेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ कॉलेज फिजिशियन सेंटर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब 33 बच्चे गए जुलाई में तो क्या लिखा उन्होंने कि वी आर डिलाइटेड टू वेलकम 33 डॉक्टर ट्रेनिंग इन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। और आखिर में क्या कह रहे हैं, हाँ आयश ने लिखा हुआ, 1,00,000 मरतबा आपको वेलकम करती है, ये रिस्पेक्ट है
पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कॉलेज की और आप सब लोगों की, आपकी मेहनत की वजह से. सो क्रेडिट गोज टू द कंट्री, योर सुपरवाइजर, द कॉलेज एंड यू. दिस इज माई प्रेजेंटेशन ऑन द ईलर्न सिस्टम ऑफ सीबीएसई एंड वी आर टेलिंग दोज पीपल कि आपके सुपरवाइजर हमारे ट्रेनिंग को ऐसे मॉनिटर करेंगे जैसे हमारे अपने सुपरवाइजर कर रहे हैं, और इसी तरीके से ट्रेनिंग भी उसी अंदाज में आईडी पासवर्ड के साथ एंट्री लॉग बुक है उसको फिल करेगा. और इस प्रेजेंटेशन के बाद एल एस मैकडॉर्मेंट क्या लिखती है, जो उनकी हेल्थ सर्विसेज चीफ है, जो उनकी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की एक्स प्रेसिडेंट है, वो लिखती है, डियर प्रोफेसर गोलिया, आई विश यू लेट यू नो अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ योर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीपीएसपी ईलॉग सिस्टम. माई कोलीग्स हियर इन एनडीटीपी अलॉन्ग विद आवर ट्रेनिंग बॉडी कोलीग वर ह्यूजली इंप्रेस्ड. They all are saying we should introduce something similar that could be used for all the training body here. At present, all training body use a different system, so they cannot talk to one another. College A, uniform training system, addressing the variation of training. They all ask me to pass on their congratulations to you and to your college. ये मुबारक बाद उन्होंने आपको दी है extended or standardized training program. ये आखिरी स्लाइडों की तरफ मैं चल रहा हूँ. जब आप लोग जाते हैं या जो आप लोग जाएंगे आपको फायदा क्या होगा. मैंने एक स्टडी की और ये आज भी मेरा रिसर्च पेपर इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हो चुका. उन ट्रेनिंग को क्या फायदा है, वो कहते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी, गुड एनवायरनमेंट, प्रोफेशनलिज्म, एथिकल प्रैक्टिसेस हम सीखते हैं, हैंड ऑन ट्रेनिंग में कमी है जो कि हमने फीडबैक ऑलरेडी दे दिया, और फिर पाकिस्तान वापस आके ये अच्छी बातें यहां प्रैक्टिस करेंगे. ये आधे मिनट का क्लिप क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री बनी जो WHO ने इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्प्ले किया. इसमें फीडबैक ट्रेनिंग का क्या है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. Dr. Mohammed Awais is working at the Coombe Women and Infants Hospital in Dublin, Ireland. He's come from Pakistan as part of an innovative scheme to give foreign doctors specialist training. When his two-year stint here is over, he will return to Pakistan. And try to implement good things, positive things, positive attitudes over there in Pakistan. So professionalism, ethical practice, और फिर हम इन बच्चों को लावारस नहीं छोड़ते. हर साल के बाद इनका हालचाल पूछते हैं. ये जुलाई की मीटिंग है जिसमें प्रेसिडेंट हिमसेल, DGIR, जनरल मेजर साहब आर्मी के रिप्रेजेंटेशन, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर सरफराज मीर जो रीजनल डायरेक्टर है आयरलैंड के, वो तमाम मौजूद हैं. रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट इनके साथ हैं, और ये एक इंटरेक्टिव मीटिंग थी विद द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल कॉलेजेस एंड विद आवर ओन पोस्ट ग्रेजुएट. और आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं दैट इज एक्रेडिटेड बाय द कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन काउंसिल जो अमेरिका की है, इसके आपके क्रेडिट आवर्स हैं. इसी अंदाज में कॉलेज को मुख्तलिफ औकात पे ये प्राइजेस मिले. और ये वो स्कीम का नाम जो WHO ने दिया, ब्रेन गेम नॉट द ब्रेन डेम, कि ये ब्रेन गेन है, इस मुल्क को फायदा हो रहा है इस चीज का. और ये मैं आखिरी दो तीन स्लाइड जो आपसे शेयर कर रहा हूं, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू एंड फॉर इंफॉर्मेशन फॉर यू टू कि 2023 में 13-14 जनवरी को वी आर गोइंग टू हैव द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले 9th एंड 11th जनवरी को प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है, 12th जनवरी को कराची की कॉन्वोकेशन है, लाहौर की कॉन्वोकेशन मैंने बताया दिसंबर के लास्ट वीक में. थीम कॉन्फ्रेंस का क्या है, चेंजिंग पैराडाइम्स इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, और इसके क्रेडिट आज बाकायदा होंगे. और इसमें कोलैबोरेशन हमारी WHO मेन कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ मेडिसिन ऑफ साउथ अफ्रीका है, इसी तरह रॉयल कॉलेजेस एंड सिस्टर कॉलेज ऑफ द साथ की जगह मौजूद होंगे. और इसमें सेशन होगा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन डेवलपिंग कंट्री पे, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, फिर कुछ नए टॉपिक होंगे लाइक सोशल अकाउंटेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक नई चीज है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसी तरह इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन लाइक वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट और कुछ और, इनके बारे में बात होगी. और ऑलरेडी कॉलेज को बेस्ट हेल्थ के प्राइज मिल चुके हैं, ये ज्वाइंट प्राइज है आयरलैंड और CPSP को जो इकट्ठा मिला. और फिर आज 9 नवंबर है और मैं अपनी कंक्लूडिंग फिर अल्लामा इकबाल की तरफ जा रहा हूं. मुझे लास्ट ईयर आज के दिन अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाने का एजाज हासिल हुआ और वो आपसे शेयर कर रहा हूं.
आज का दिन हमें खुदी वहदत फिक्र अमल का दर्स देता है। नौजवानों को अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर और नसीहतों को अमली शक्ल देना होगी। बीसी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगु, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने फूल चढ़ाए, फातह खानी की, मेहमानों की किताब में तासरात भी कलमबंद की। खुदी वहदत और फिर इकबाल के इस शेर पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपके नाम नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की जगह। CPSP to be recognized as the international training and advisory center in the world. CPSP has justified its claim to be the pioneer and custodian of post-graduate medical education both within the country and abroad. और ये आपके कॉलेज की बिल्डिंग है और कॉलेज काउंसिल ने, सुपरवाइजर एग्जामिनर फेलोज ने, कॉलेज हम सब मिलकर है। We start from the post-graduate resident sitting in this hall, the fellows of this college, the supervisor जो आपको बेहतरीन अंदाज में सुपरविजन एक्सटेंड कर रहे हैं, हमारे एग्जामिनर और फिर कॉलेज को एक टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, एक टीम के साथ हम काम करेंगे एंड इंशाल्लाह द कॉलेज विल बी द वर्ल्ड लीडर इन साउथ एशिया इन हायर मेडिकल एजुकेशन। थैंक यू।